हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं प्रेम मंदिर वृंदावन में। तो ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी छोटी है, तो जो मेन आपको क्लिप्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये रावण का सिर धड़ से अलग करते हुए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दृश्य ये दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स हमें। तो आगे आगे देखिए, मैं आपको आगे जो वृंदावन का प्रेम मंदिर है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो उससे पहले आपको ये दिखा लेते हैं, यहाँ पे ये रहा फ्रेंड्स आपका प्रेम मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये गोवर्धन पर्वत को किस तरह से उठाया गया है ये भगवान कृष्ण के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है इस जगह पे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स हमें यहाँ आकर के। ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आजकल सीज़न में बहुत ही श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा रहता है, बहुत ही काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं और आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ गोवर्धन पर्वत का, ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको दिखाते हैं यहाँ नाइट का व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगता है ये प्रेम मंदिर। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ये प्रेम मंदिर वृंदावन का। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की ये प्रेम मंदिर में, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा, बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स हमें। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा प्रेम मंदिर। और ये देखो फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये कलाकारी की गई है और अच्छे तरीके से यहाँ पे ये दर्शाया गया है गोपियों को और कृष्ण, राधा कृष्ण को। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी नॉल में प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में नई जगह के साथ, तब तक लिए।